आज जिला सभागार में बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने कहा कि बसों के माध्यम से विद्यार्थियों को सुरक्षित लाना व ले जाना स्कूल प्रबंधन एवं संचालकों का दायित्व है। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी प्रबंधक एवं संचालक CBSE द्वारा जारी गाइडलाइन को भली भांति समझ लें। उन्होंने सुरक्षात्मक दृष्टि से निर्देशित करते हुए कहा कि जिन वाहनों की अभी तक फिटनेस नहीं हुई है, एक सप्ताह के भीतर फिटनेस कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि बसों के ड्राइवर, कंडक्टर सहित सभी स्टाफ का पुलिस सत्यापन जरूर कराया जाए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि बस ओवरलोडिंग कतई नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने विगत दिवस हुई गैस रिसाव की दुर्घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि छोटी से छोटी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए सभी प्रबंधन एवं संचालक गाइडलाइन का 100% अनुपालन करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा नियमों, मोटर वाहन अधिनियमों के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करने हेतु वृद्ध अभियान चलाने के निर्देश पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिए। हाँ, जनपद के विभिन्न विद्यालय जो बसों के माध्यम से विद्यार्थियों को लाते हैं और ले जाते हैं, उसके संबंध में गाइडलाइंस आई हुई हैं स्टेट गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उन गाइडलाइंस को हमने इनके साथ शेयर किया है और इनसे कहा है कि जो भी गाइडलाइंस है उसका संपूर्ण पालन करें ताकि बच्चे सुरक्षित विद्यालय जाएँ और पढ़ने के बाद सुरक्षित वापस घर पर पहुँचें। सामान्यतः जो मेन इनकी दिक्कत देखने में आई है कि जो भी बसेस ये लोग यूज़ कर रहे हैं, कईयों की फिटनेस नहीं है और कई जगह बसेस ओवरलोड ये कैरी करते हैं, तो इनको कहा गया है कि बसों में उतने ही बच्चे रखें जितनी की सीटिंग कैपेसिटी है, कोई ओवरलोडिंग ना करें और जहाँ पे स्थान है वहाँ पे सड़क से किनारे लगकर निकाल कर बसों को रोकें और वहीं पे बच्चों को चढ़ाएं और उतारें, बीच सड़क पे बच्चों को चढ़ाने उतारने का कार्य ना करें। एक और बात आई है, बात आई हुई है कि विभिन्न विद्यालयों में प्रेयर टाइम पे पुलिस के और परिवहन विभाग के हमारे अधिकारी जाएंगे, वह सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करेंगे और जो नाबालिग बच्चे जो वाहन चला रहे हैं बिना लाइसेंस के, उनको मोटिवेट करेंगे और उनको गाइड करेंगे कि वो वाहन ना चलाएँ बिना लाइसेंस के, और फिर पूरे जनपद में इन्फोर्समेंट भी किया जाएगा।